हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और स्वागत है भाई आपका आज के इस वीडियो में। तो भाई आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ मई 2021 की सेल्स रिपोर्ट के बारे में। अपने इंडिया में टू व्हीलर की जो सेल्स हुई है मई 2021 में, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और भाई यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताता हूँ और उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे अपनी जो होंडा टू व्हीलर है जो कि हर बार भाई सेल्स फिगर के अंदर नंबर 2 पे आती है, इस बार भाई 2 पायदान और नीचे नंबर 4 पे पहुंच चुकी है। और भाई होंडा की यार इतनी ख़राब सेल्स कैसे हुई, इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो भाई एंड तक देख लेना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको बाइक के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी के अभी दबा दो ताकि ऐसे वीडियो, बाइक के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। तो भाई शुरुआत करते हैं वीडियो की और सबसे पहले आप यहाँ पे रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ पे नंबर 1 पे है हीरो जो कि हमेशा से आता रहा भाई। नंबर 2 कोई भी हो, 3 कोई भी हो, लेकिन नंबर 1 जो होता है भाई वो तो हमेशा हीरो मोटोकॉर्प ही होता है। तो नंबर 1 पे है हीरो, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 पे बजाज जो कि हमेशा यार 90% मान के चलो फोर्थ नंबर पे रहता है, हमेशा 4 नंबर पे रहता है, लेकिन अब की बार भाई नंबर 2 पे है। वीडियो में आगे बात करेंगे कि नंबर 2 पे क्यों है। और नंबर 3 पे है भाई यहाँ पे TVS, आप देख सकते हो रिपोर्ट के अंदर। नंबर 4th पे भाई होंडा और नंबर 5th पे भाई यहाँ पे रॉयल इनफील्ड जो कि यार हमेशा इसी नंबर के आसपास रहता है। लेकिन यहाँ पे यार जो मतलब शॉकिंग है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो है कि यार होंडा यार नंबर 4 पे कैसे आ गया जो कि यार हमेशा नंबर 2 पे रहता है। जितनी भी मैंने सेल्स रिपोर्ट देखी है उसमें से 90% तो मैंने भाई होंडा को नंबर 2 पे देखा है, लेकिन अब की बार तो भाई होंडा नंबर 4 पे आ चुका है। और एक दो भाई लोगों को कमेंट भी आया था इसके बारे में, पूछ रहे थे भाई इतना मतलब इतना सेल्स कैसे कम हो सकता है, और उसी वजह से भाई ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे बता दूँ कि होंडा टू व्हीलर की सेल्स जो होती है उसमें सेल्स में एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा पार्ट होता है भाई एक्टिवा का। आपको पता ही होगा भाई कि हर महीने भाई एक्टिवा कितनी ज़्यादा बेची जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अपने देश में अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर जितनी मेट्रो सिटीज़ होती है जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया और भी जितनी भी बड़ी सिटी है जैसे कि जयपुर वगैरह, वो सारी सिटी पे भाई लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से भाई जो अपनी एक्टिवा है वो नहीं बिक पाई। एक्टिवा जो ज़्यादा बिकती है ना भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ शहर में बिकती है, गाँव में भाई इतना ज़्यादा इसको नहीं पूछते, इतना ज़्यादा मतलब सेल्स नहीं होती गाँव के अंदर। सिटी में ज़्यादा सेल्स होती है और जितने भी बड़े शहर थे भाई वो अब की बार बंद थे, तो इस वजह से भाई होंडा की सेल्स डाउन हो गई। और होंडा की सेल्स डाउन इस वजह से हुई है क्योंकि एक्टिवा की सेल्स डाउन हो गई। होंडा की जो सेल्स है वो पूरी डिपेंड करती है भाई एक्टिवा पे, जितनी ज़्यादा एक्टिवा बिकती है उतनी ज़्यादा होंडा की सेल होती है, और इस बार एक्टिवा नहीं बिकी तो होंडा की सेल भाई कम हो गई। तो ये रीज़न तो हो गया भाई होंडा की सेल कम होने का। अब ये बात करते हैं कि यार बजाज की सेल इतनी अच्छी कैसे हो गई, मतलब कि अच्छी तो नहीं है खैर, लेकिन नंबर 2 पे कैसे आ गया। तो यहाँ पे आपको बता दूं भाई बजाज के पास जितनी भी बाइक है उनमें से ज़्यादातर बाइक भाई बेसिक है और भाई एवरेज वाली है। और अभी आपको पता है भाई पेट्रोल के भाव देखो यार, हमारे जयपुर में तो 100 रुपये का हो चुका है। तो इस वजह से भाई क्या है, थोड़ा सा लोग ना माइलेज वाली बाइक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और थोड़ी सी बजट वाली बाइक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इसके अलावा बजाज की बाइक यार गाँवों में काफ़ी ज़्यादा चलती है और गाँवों में इतना ज़्यादा लॉकडाउन अभी तक नहीं लगा हुआ था तो इसकी सेल्स हो रही थी। तो ये कुछ रीज़न थे भाई बजाज की सेल्स होने का, क्योंकि बजाज के पास भाई CT 100 है, प्लेटिना है और इसके अंदर भी यार काफ़ी सस्ती है बाइकें देते हैं, जो फीचर्स देते हैं काफ़ी अच्छे देते हैं और माइलेज तो भाई हमेशा से यार बजाज का एक नंबर रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी इनकी सेल अच्छी हो गई है और मुझे लगता है जैसे लॉकडाउन खुलेगा इनकी जो सेल्स है बजाज की सेल्स और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा TVS के बारे में। तो TVS नंबर 3 पे भाई हमेशा ही रहता है और इस बार भी नंबर 3 पे है, लेकिन यहाँ पे बता दूँ इसकी सेल्स होंडा से ज़्यादा इसलिए हुई है क्योंकि यार होंडा के पास जो भी प्रोडक्ट है वो यार थोड़े से मतलब कह सकते हैं प्रीमियम वाले हैं, इतने बेसिक प्रोडक्ट होंडा के पास नहीं है। और जो उनका बेसिक प्रोडक्ट है भाई जो ज़्यादा बिकता है एक्टिवा, वो अब की बार सेल हुआ नहीं तो उनकी थोड़ी जो सेल्स कम हो गई। लेकिन यहाँ पर बात करें TVS की, तो TVS के पास भाई एक उनकी जो फेमस बाइक है माइलेज के लिए, जैसा कि वीडियो में पहले बताया भाई माइलेज की बाइक अब ज़्यादा बिकने वाली है, तो TVS स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है। और इसके अलावा एक उनका मोपेड आता है TVS XL, वो भी यार काफ़ी ज़्यादा सेल होता है ऑल ओवर टू व्हीलर में अगर अपन देखें तो शायद वो नंबर 9 या 8 के समथिंग हमेशा रहता है। तो इस वजह से TVS की सेल्स अब की बार होंडा से भी ज़्यादा हो गई। और भाई यार अब की बार होंडा यार नंबर 4 पे आ गया जो कि हमेशा नंबर 2 पे रहता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ भाई कि ये जितने भी टॉप 5 जो सेल्स हुई है उसके अंदर सारी कंपनियों की जो सेल है ना भाई लास्ट मंथ से मतलब लास्ट ईयर से मई 2020 से कंपेयर करें इस महीने की सेल, तो भाई सारी कंपनियों की सेल बढ़ी है।
मतलब सब कंपनियों की सेल थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे होंडा की सेल में भाई 28% की गिरावट है भाई। लास्ट मई से, मई 2020 से 2021 को कंपेयर करें तो यहाँ पे भाई होंडा की सेल कम हुई है, बाकी सभी कंपनियों की सेल बढ़ी है। वहीं पे अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं भाई लास्ट मंथ से, अप्रैल 2021 से मई 2021 को कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं भाई कि सेल्स में कितनी कमी हुई है। तो यहाँ पे हीरो की जो अप्रैल में सेल थी भाई 342,614 यूनिट थी, जो कि अभी हो चुकी है 159,561। तो यहाँ पे सेल्स में अप्रोक्स 200,000 यूनिट का भाई गिरावट आया है, 200,000 यूनिट कम बिकी है और 53% की यहाँ पे गिरावट है। बात करें बजाज की, तो बजाज की अप्रैल में सेल थी भाई 126,570 यूनिट, जो कि अभी है 60,342 यूनिट। तो यहाँ पे भी यार काफ़ी कम सेल हुई है, 66 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है, इतने का अब की बार सेल कम हुआ है। बात करें टीवीएस की, तो टीवीएस की थी 131,386 और अभी इस महीने में मई में सेल हुई है भाई 52,084 यूनिट। इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट जो अब आने वाला है होंडा, होंडा की सेल्स आपको बताता हूँ लास्ट मंथ की और इस मंथ की। लास्ट मंथ इनकी सेल थी भाई 240,100 यूनिट, ठीक है भाई। और इस महीने कितनी सेल हुई है 38,763। यहाँ पे पूरा भाई 200,000 यूनिट का भाई गिरावट है, यहाँ पे 200,000 यूनिट कम बिकी है भाई इस बार में। तो भाई ये था आज के वीडियो में, ये जो सेल्स रिपोर्ट थी आपको दिखानी थी। और एक दो भाई लोग पूछ रहे थे कि होंडा की सेल्स में इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे हुई है, तो उनको सारी चीज़ें क्लियर करनी थी और इसीलिए वीडियो मैंने बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। ये देखो पूरा पसीना पसीना हो गया भाई, बिल्कुल गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो विंड नॉइज़ आती है भाई पंखे की। तो भाई वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना यार। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको बाइक के वीडियो देखना पसंद है, बाइक नॉलेज के वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। और भाई वीडियो के एंड में एक सवाल आप सभी भाइयों के लिए, जिसका जवाब इसी वीडियो के अंदर है। तो सवाल ये है कि टीवीएस कंपनी है, उसकी लास्ट ईयर सेल कितनी थी और इस ईयर में सेल कितनी है, मई 2020 में उनकी कितनी सेल थी और मई 2021 में कितनी सेल है। तो भाई इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है, और जो टॉप 5 रहेंगे, जिन्होंने पहले सबसे 5 कमेंट किए, उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। और भाई आने वाले टाइम में जल्दी ही आपके लिए मैं एक गिव अवे लेकर आने वाला हूँ, और उसकी डिटेल आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर लो। जल्दी ही गिव अवे को लेकर मैं वहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।